प्रचार के दरमियान कांग्रेस को लेकर बीएसपी चीफ मायावती चाहे जितना आक्रामक रही हो, लेकिन कांग्रेस मायावती से अपने रिश्ते बनाकर रखना चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने एक तरह से मान लिया है कि प्रधानमंत्री पद की रेस में वो कहीं नहीं है। अब उसे किसी रीजनल पार्टी पर ही दांव लगाना बेहतर लग रहा है। ममता के मुकाबले मायावती को प्रधानमंत्री की रेस में आगे करने से वो दूरगामी नतीजे देख रही हैं। अव्वल यही कि इससे देश की कुल आबादी में एक चौथाई हिस्सा रखने वाले दलित समाज के दिल को जीता जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने मायावती को इशारा दे दिया है कि अगर 23 मई को किसी भी सूरत में गैर एनडीए सरकार बनने की संभावना दिखती है तो फिर उसकी पसंद वही होंगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बंगाल वाली दीदी सोनिया गांधी की बुलाई बैठक से गैर हाजिर हो सकती है। उनका कहना है कि काउंटिंग के दिन उनका अपने राज्य में रहना ज्यादा जरूरी है। दीदी के मुकाबले बहन जी को तरजीह दिए जाने पर इतनी नाराजगी तो बनती ही है। चंद्रबाबू नायडू की कोशिश ममता और मायावती के बीच संतुलन बनाए रखने की है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह से टकराव के मुद्दे पर ममता को समर्थन देकर मायावती ने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश तो की ही है। कांग्रेस आला कमान से भी देर सवेर बीएसपी चीफ की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि दिल्ली तक पहुँचने के लिए कांग्रेस का समर्थन तो जरूरी होगा ही। आपकी इस बारे में क्या राय है अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।